जेएनयू मोस्ट वेलकम टू एग्जाम वर्ल्ड गाइस, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेएनयू। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनका सपना है जेएनयू में पढ़ने का, लेकिन एक सवाल आता है मन में बार बार कि आखिर फॉरेन लैंग्वेज अगर हमें बीए में पढ़ना हो तो हम जेएनयू ही क्यों आए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं बाहर, अदर और भी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं जो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंग्वेज में कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जेएनयू में लैंग्वेजेस पढ़ने के फायदे क्या हैं, क्यों यहाँ से सक्सेस रेट ज्यादा है, क्यों जेएनयू को अगर मैं कहूँ दूसरी भाषा में तो मक्का कहा जाता है लैंग्वेज का, उसके पीछे दो या तीन कारण है जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर जेएनयू बेस्ट क्यों है। सबसे पहला, किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी यूनिवर्सिटी को चुनते वक्त हम एक चीज देखना चाहिए, वो होता है वहां का फैकल्टीज। इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेकेंड थिंग, लेकिन फैकल्टीज कितनी बेस्ट है वो बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाने वाले बहुत बेहतर हैं तो आप अगर पेड़ के नीचे बैठ के भी क्लास कर लोगे तब भी आप एक बेहतर प्रोडक्ट बन के निकलते हो। सो पॉइंट ये है कि जेएनयू के अंदर अगर हम चर्चा करें टीचर्स की, फैकल्टीज की बात करें, तो वो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं। आप लैंग्वेज के सेंटर्स में जाइए, आप जापानीज में जाइए, कोरियन में जाइए, जर्मन में जाइए, ऑल टीचर्स जिनकी बात करें इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट हैं, क्योंकि उनका एकेडमिक्स ऑलरेडी मोस्टली जो टीचर्स हैं उनका जेएनयू से ही होता है। पूरा जो एक उनका स्टार्टिंग होता है बैचलर से लेके पीएचडी तक का, वो उन्होंने एक ही एकेडमिक्स में रहकर पूरा किया होता है, एक यूनिवर्सिटी में रहकर पूरा किया होता है। अंडर उन प्रोफेसर के जो इंडिया में खासकर लैंग्वेजेस के साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे जो पॉलिसीज हैं उनको बनाने में भी हेल्प करते हैं, कंट्री रिलेशंस में भी हेल्प करते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज आज के समय में मैं बात करूं, जब हम कोई भी लैंग्वेज करते हैं तो 3 साल बाद या 5 साल बाद हम सबका एक टारगेट होता है कि हम लैंग्वेज करने के बाद एक बेहतर जॉब ले पाए। आज अगर आप इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो लैंग्वेजेस के फील्ड में जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, अगर उनके आप एचआर देखेंगे जाके, अगर उनके एचआर को जब आप देखेंगे तो आपको अराउंड 90% जो एचआर है उन कंपनीज के वो जेन्युइन मिल जाते हैं। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जेएनयू का जो लैंग्वेज स्टैंडर्ड है वो इतना बेहतर है कि आप प्रॉपर अगर लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं 3 साल या 5 साल अगर आप पूरे करते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि आप उस बीच में एक बार विदेश जिस नेटिव कंट्री है वहां पे हो आते हैं, पढ़ने के लिए जा पाते हैं, स्कॉलरशिप मिल पाते हैं। खैर, उससे क्या होता है कि आपका लैंग्वेज का जो एक होता है कि वो डेवलपमेंट जो आप चाहते हैं कि प्रॉपर एक डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी लैंग्वेजेस में जो चेंजेस आने चाहिए वो प्रॉपर आ पाते हैं, क्योंकि आप उस नेटिव कंट्री में भी रह पाते हैं। और जेएनयू के अंदर नेटिव कंट्रीज के जो लैंग्वेज रिलेटेड कंट्री है उस कंट्री के आपको प्रोफेसर, एक प्रोफेसर आपको लगभग हर सेंटर में मिल जाएगा जो उस कंट्री से आते हैं। सपोज दैट आप कोरियन से हैं, कोरियन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोफेसर पढ़ाने वाला उस रिलेटेड कंट्री का होगा, ताकि आपकी टोन के अंदर जो कहीं की इंप्रूवमेंट है वो लाई जा सके। एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जेएनयू दिल्ली में होने की वजह से एम्बेसीज वगैरह काफी ज्यादा फोकस कर पाती है, क्योंकि अगर आप विदेश जाने की बात करें लैंग्वेज के थ्रू, या फिर आप एक चाहें कि हमें एक बेनिफिट मिल सके रिलेटेड कंट्री से, रिलेटेड कंट्री में जॉब्स मिल सके, तो सबसे बड़ा हमारे पास एक ऑप्शन होता है वो होता है एम्बेसीज। आप यूनिवर्सिटी के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा ऑप्शन है वो एम्बेसी दिल्ली में होने का वजह से आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं एम्बेसीज के साथ, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और एम्बेसीज के थ्रू आप जो भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, जो स्कीम्स आती हैं, अगर आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं अपने प्रोफेसर्स के साथ और एम्बेसीज के साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन हैं आपके, तो बहुत आसानी से आप फॉरेन कंट्रीज का जो एक ऑप्शन है उसको कहीं ना कहीं मिल पाता है आपको। और साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी बात ये आ जाती है उसमें कि जब आप जेएनयू से निकलते हैं, जेएनयू डायरेक्ट ऑलरेडी बहुत सारे कोलेबोरेशन हैं जेएनयू के फॉरेन यूनिवर्सिटीज से एम्बेसीज के थ्रू, स्कॉलरशिप्स को लेके फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को लाइक प्रोवाइड करवाता है जेएनयू, एम्बेसीज जेएनयू को प्रोवाइड करवाती हैं, तो वो स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट मिलता है कहीं ना कहीं। एक ये तीन मूल कारण थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जेएनयू के अंदर सबसे बड़ा जो एनवायरमेंटल हम बात करते हैं कि बेहतर एनवायरमेंट जो मिल पाता है पढ़ने के लिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। खासकर लैंग्वेज से रिलेटेड आपको एक ही कैंपस में बीए से लेकर पीएचडी तक के जब स्टूडेंट मिलते हैं, तो बीए में आते हैं, एंट्री करते हैं, आपको वहां पे आपकी हेल्प करने के लिए पीएचडी तक के स्कॉलर्स रहते हैं, तो एक वो प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप में से बहुत सारे जेएनयू आते हैं बैचलर्स में यूपीएससी को माइंड में लेके, वो कुछ लैंग्वेजेस में आते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं, अपने प्रिपरेशन करते हैं और निकलते हैं।
उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब हम छोटे छोटे गांव से निकल के आते हैं, दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, कोई भी मेगा सिटी की बात करें, तो हमें एक बड़ा अमाउंट वहां पे रहने और खाने पे खर्च करना पड़ता है और स्टडीज पे खर्च करना पड़ता है। जेएनयू आपको रहना, खाना और पढ़ाई तीनों एक ही कैंपस में, और मैं कहूं तो इतने कम पैसे में देता है जिसे अगर हम कहें बिल्कुल खर्च नहीं होता, वो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट 5-7-10 हजार रुपए का अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है पूरे साल में जो खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका शॉर्ट आउट हो जाता है। और आप अगर लैंग्वेज में करियर बनाना चाहते हैं तो लैंग्वेज के लिए आपके पास जेएनयू एंड एफएलयू दोनों बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपका टारगेट केवल लैंग्वेज में करियर बनाना है तो। गाइज, अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए हो रिगार्डिंग टू अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।